स्टूडेंट्स कल हमारा टॉपिक इनकम्प्लीट रह गया था एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस का हम उसको सबसे पहले कंप्लीट करते हैं यहाँ पर हम एक रिएक्शन देख रहे थे कि हमारे पास हम यहाँ चूंकि देख रहे थे इसकी नेचर एसिडिक होती है जिसकी वजह से जो एल्काइंस हैं उनकी टर्मिनल हाइड्रोजन हमने पढ़ा था ईजिली रिमूव हो सकती हैं और जहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि हमारे पास अगर आप एसिटाइलिन की बात करें अगर ये रिएक्शन देती है तो हमारे पास एसिटाइलाइट बनते हैं अब यहां पर हम पढ़ रहे थे कि एसिडाइलाइट जरूरी नहीं कि सिर्फ सोडियम के ही बने बल्कि हम पढ़ रहे थे कि कॉपर के भी बन सकते हैं सिल्वर के भी बन सकते हैं ये देखिए आपके पास ये रिएक्शन इस तरह से है कि आपके पास यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा और इसकी जगह पर इधर वाली हाइड्रोजन की जगह पर भी कॉपर और इधर वाली हाइड्रोजन की जगह पर भी कॉपर लग जाएगी अब आपके पास ये जो प्रोडक्ट बनेगी ये ये आपके 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 पास 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 थी जब इसके अंदर कॉपर 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 लग जाएगी तो आपके पास बन जाएगा डाई डाई जो बनेगीलाइट बनता है इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट के देता है अच्छा इसके अलावा आप दूसरी चीज आती थी कि आप सिल्वर केसिडालाइट भी प्रिपेयर कर सकते हैं वो किस तरह से कि आप इसके अंदर एसिटाइलिन में अगर सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर देते हैं तो इन इस हाइड्रोजन की जगह पर और इस हाइड्रोजन की जगह पर सिल्वर आकर अटैच हो जाएगा तो आपके पास इस तरह से प्रोडक्ट आ जाएगी डाई सिल्वर एसिटाइलाइट और डाई सिल्वर एसिटाइलाइट होते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट्स देते हैं अब ये यहाँ प्रेसिपिटेट्स के कलर्स बताने का क्या मकसद है इसका मकसद ये है कि आपको अगर लैब में दिया जाए आपने पहले ये तो पढ़ लिया कि आप अनसेन और सेचुरेशन में कैसे फर्क कर सकते हैं आपने पढ़ा था बेयर्स टेस्ट के थ्रू लेकिन आपको ये कैसे पता लगेगा कि दी गई चीज में जो अनसेचुरेशन है वो डबल बॉन्डिंग वाली है या ट्रिपल बॉन्डिंग वाली है तो वो आपको इस टेस्ट से पता लगेगा एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस में जो आप ये वाला टेस्ट पढ़ रही हैं आपको इससे क्लियर होगा अगर आपको दी गई चीज इथाइन हो और इथीन हो तो आपको कैसे पता लगेगा कि हमारे पास इथीन कौन सी और इथाइन कौन सी है तो वो ऐसे पता लगेगा कि आपके पास जो इथाइन है वो ये रिएक्शन देगी यानी अगर आप दोनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर ये भी डाल दें और ये भी रिएजेंट डाल दें तो आपके पास जो रेडिश ब्राउन पीपीटी है वो कौन देगा एल्काइन देगी एसिटाइलिन देगी और आपके पास जो इथीन है वो ऐसा कोई रिएक्शन शो नहीं करेगी तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप डबल और ट्रिपल बॉन्ड में कैसे फर्क करेंगे तो आप उसके लिए बताएंगे कि हम एसीटाइलाइट की फॉर्मेशन का रिएक्शन चेक करेंगे जहां से हमें इंडिकेशन मिलेगी की दी गई चीज में डबल बॉन्डिंग एग्जिस्ट करी है या फिर ट्रिपल बॉन्डिंग उसके बाद आपके पास आ जाता है कि आप इनको ये जो आपके पास यहाँ पास सिल्वर एंड कॉपर रिएक्ट विद एसिड्स टू रीजनरेट एल्काइंस अगर आप इनसे दोबारा एल्काइन हासिल करना चाह रही हैं जैसे आपके पास ये डाई सिल्वर एसी है तो आप इसके अंदर एसिड ऐड कर दे चाहे सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर चाहे नाइट्रिक एसिड ऐड कर दें इससे क्या होगा कि दोबारा से जो हाइड्रोजन है वो कहा आ जाएगी कार्बन के पास आ जाएगी और यहाँ से सिल्वर क्या हो जाएगा रिमूव सिमिलरली आप कॉपर के साथ भी कर सकते हैं कॉपर एसिटाइलाइट के साथ इसमें आप एसिड ऐड कर दें कॉपर की जगह पर हाइड्रोजन आकर अटैच हो जाएगी और कॉपर यहाँ से रिमूव हो जाएगी जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि दोबारा से एसिटाइलिन बन गई और साथ में सिल्वर सल्फेट और यहाँ सिल्वर नाइट्रेट आ गया है ये जो आपके पास अल्कनाइड बनते हैं ये इनसे आप डिफरेंट ऑर्गेनिक प्रेपरेशन कर सकते हैं प्यूरिफिकेशन सेपरेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्काइंस कर सकते हैं आगे आपको यूजेस दिए गए हैं आपने अभी आ, कल पढ़ा था कम्बस्टन में कि इसकी फ्लेम का टेरेचर बहुत हाई होता है जिसकी वजह से हम इसको वेल्डिंग और मेटल्स की कटिंग के लिए यूज करते हैं इसके अलावा हम इससे एल्कोहल्स एसिटिक एसिड और एसिड को इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रिपेयर कर सकते हैं आप इथाइन को यूज करते हुए बेतहाशा पॉलीमर्स प्रिपेयर कर सकते हैं और पॉलीमर्स हमारी जो कई तरह की हमारी जो हम डेली बेसिस में डेली रूटीन में चीजें इस्तेमाल करें वो पॉलीमर से ही मिलकर बनी होती है अब इसमें आपके पास कुछ आपके स्विचेस आ जाते हैं टॉयज आ जाते हैं या इस किस्म की जो सब चीजें हैं आपकी जो लैपटॉप की जो मटीरियल है ये सब क्या है ये प्लास्टिक बेस्ड है लेकिन इन सबकी टाइप डिफरेंट है वो डिफरेंट तरह के पॉलीमर से मिलकर बने हैं कुछ प्लास्टिक्स बहुत सॉफ्ट होते हैं कुछ हार्ड होते हैं कुछ जो होते हैं वो ब्रेक इजीली नहीं होते तो वो किसकी वजह से है ये पॉलीमर्स की ही टाइप्स की वजह से है तो हमारे पास यहाँ पॉलीमर्स कौन कौन से होते हैं इसकी वजह से जो बनते हैं इथाइन की वजह से पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीविनाइल एसीटेट जिसको पीवीए भी कहते हैं पॉलीविनाइल ईथर्स ऑर्लॉन एंड नियोप्रीन रबर ये सब आपके पास जो है पॉलीमर्स के नेम्स दिए गए हैं इसके अलावा आप इससे टेट्राक्लोराइड प्रिपेयर कर सकते हैं टेट्राक्लोराइड को वार्निशेस पेंट वगैरह वा में एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है और फिफ्थ आ जाता है फ्रूट्स फ्रूट्स की राइपनिंग के लिए जो कच्चे होते हैं उनको पकाने के लिए भी इसको यूज किया जाता है आगे आपको दिया गया है कंपैरिजन एल्कीन्स एल्कीन्स और एल्काइन्स की रिएक्टिविटी का ये भी आपसे बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे तो इसमें आपने सबसे पहले तो इस ऑर्डर को याद रखना है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव एल्कीन्स है फिर अल्काइंस हैं और लास्ट पर एल्कीन है और इसके रीजन आप पढ़ चुके हैं क्यों ऐसा है अगर आप एल्किस की बात करें तो एल्किस के बारे में आपने दो रीजन पढ़ी थी पहली रीजन ये कि इसमें पाइप बॉन्ड इजिली ब्रेकेबल है दूसरी रीजन आपने पढ़ी थी कि इसके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक्सपोज होते हैं इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव है अच्छा अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि अल्काइंस में तो दो पाइप बॉन्ड है तो इसको ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए लेकिन इसमें आपने क्या पढ़ा था कि दो पाइप बॉन्ड्स तो हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज डेंसिटी दो न्यूक्लिया के दरमियान टाइटली बाउंड है जिसकी वजह से ये रिएक्शंस के लिए अवेलेबल नहीं होता बॉन्ड डिस्टेंस कम होता है इसके इलेक्ट्रॉन्स एक्सपोज नहीं होते इस वजह से आपके पास एलकाइंस जो हैं वो आ, है वो लीस कम रिएक्टिव है की और नल्किन्स इन दोनों के नस्बत कम रिएक्टिव है उसकी रीजन क्या है क्योंकि इसमें कोई पाइप बॉन्डिंग नहीं है जिसको आप ब्रेक कर सकें इसमें सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक हल यही है कि हम चीजों को सब्सिट्यूट कर सकते हैं एक निकाल के उसकी जगह पर कुछ ऐड करें हम बॉन्ड ब्रेक करके अंदर ऐड कुछ नहीं कर सकते तो ये हमारे पास रेक्टिविटी आ गई ये आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करनी है अब आपके पास आ जाते हैं एक्सरसाइज में जो आपका काम है जो आप करेंगे एक तो आप एक्सरसाइज के एमसी जो हैं वो आप सॉल्व करेंगे और ये सब चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ आप करेंगी और या हम अपनी नेक्स्ट क्लास यानी मंडे में इनको डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के एमसी और ब्लैंक्स आप करेंगी और मोस्ट ऑफ दी आंसर्स आपको बुक में से ही मिल जाएंगे अगर आपको कोई नहीं मिलता आप उसको मार्क कर लीजिए वी विल डिस्कस दैट इन मंडेज क्लास उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ फिफ्थ हम कर चुके हैं और आपने जो है क्वेश्चन नंबर टेन तक मार्क कर लेने हैं वो क्वेश्चन बल्कि आप ऐसा कीजिए आप सारे क्वेश्चन को नजर डालिए और इसमें से वो क्वेश्चन हाईलाइट कर लीजिए जो बुक में मौजूद नहीं है ठीक है जो बुक में मौजूद नहीं है वो हम मंडे को क्लास में करेंगे और उसके अलावा जो आपको बुक में मौजूद है जैसे प्रेपरेशन दी गई है या कुछ इसमें से हम कर भी चुके हैं जो हम कर चुके हैं जिनके आंसर मौजूद हैं उनको मार्क कर लीजिए बाकी से वो रह जाएंगे जो मौजूद नहीं है वो मंडे को डिस्कस करेंगे इसके अलावा जो आपने इथाइन ये अल्काइन से रिलेटेड जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और जो आपने मंडे को चेक करवाने हैं वो कौन कौन से हैं एक आप करेंगे क्वेश्चन नंबर नाइनटीन का पार्ट ए एंड पार्ट बी इसमें मैं आपको बता देती हूँ ये आपका है तो एल्किन से रिलेटेड बट इसको आपने दोनों पार्ट्स को सॉल्व करना है मार्कोनी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको क्वेश्चन में आपने दी गई जो रिएक्टेंट्स हैं उनके अंदर आपने सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन करनी है बट कौन से रूल के अकॉर्डिंग मार्कोनी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग तो आपने साथ वो रूल खोल लेना है साथ आपने देख लेना की एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के दो स्टेप्स कौन से और आपने इन सारे स्टेप्स को सोल्व करना नाइनटीन का ए पार्ट बी पार्ट आप सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 21 का ए पार्ट आपको बुक से मिल जाएगा बी पार्ट बी पार्ट सारे रिएक्शंस बुक में गिवन हैं लेकिन आपने इनको ढूंढने के कौन सा रिएक्शन कहाँ पर है और इसको आपने लिखने आपने 21 का बी पार्ट चेक करवाना है मंडे को 23 का ए पार्ट ये सारे रिएक्शन भी आपने एल्काइंस के ईथाइन के पढ़े हैं ठीक है ये भी आप ढूंढेंगे और इनको भी सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 25 का ए पार्ट ठीक है अब आपके पास कल संडे भी है ये जो मैंने आपको सॉल्व करने वाले दिए हैं नाइनटीन है ट्वेंटी थ्री का पार्ट ए है ट्वेंटी फिफ्थ का पार्ट ए है ये सारे आपने सॉल्व करने हैं और ये आपने मैं रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन नंबर नाइनटीन का पार्ट ए भी क्वेश्चन ट्वेंटी वन का पार्ट बी क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री का पार्ट ए और क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव का पार्ट इसके तीन पार्ट से तीन है तीनों ही करने हैं ठीक है इन क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपकी बुक में ना हो ये सारे आपको ईजिल पीछे बुक से मिल जाएंगे फिर भी अगर आपको कोई नहीं मिलता तो आपने उसको मार्क कर लेना है ये सॉल्व करने के बाद अगला मैंने आपको काम क्या दिया है? आपने सारे एमसीक्यू सॉल्व करने जो नहीं समझ आता उसको आपने मार्क करना है और बाकी अक्सरसाइज से देखना है कि हम कौन से कर चुके हैं डेली बेसिस से जो मैं आपको देती हूँ सॉल्व करने के लिए और कौन से ऐसे हैं हमारे जो अभी हमारी बुक में भी नहीं है और जो हमने अभी क्लास में डिस्कस करने हैं तो मंडे को हम इसको करेंगे सॉल्व ताकि आपकी इसकी एक्सरसाइज प्रिपेयर हो जाए क्योंकि आपकी एक्सरसाइज प्रिपेयर तभी होगी जब आपने चैप्टर अच्छे तरीके से किया होगा कवर थैंक यू